बच्चों सुप्रभात, मैं दयाक सिंह भट्ट पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नारनौता। बच्चों कक्षा है हमारी नाइन्थ, कक्षा नाइन्थ विषय है हिंदी और पुस्तक का नाम है क्षितिज और उसमें है काव्यखंड। और काव्यखंड में रसखान, कवि रसखान के सवैये, कवि रसखान के क्या हैं सवैये, तो सवैया एक सवैया जो है छंद है जिसमें जो है 22 से 26 तक जो है वाणिक छंद है, अक्षर रहते हैं। तो जो है रसखान जी का जो है सवैये जिसमें पहला है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो जों खग हो तो बसेरो करों मिली कालिंदी कूल कदंब की टारन। तो मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें लेखक कहता है, क्या कहता है अर्थात लेखक जो है ब्रज भूमि श्री कृष्ण की जो है जन्मभूमि जहाँ उनका जो है पालन पोषण हुआ, जहाँ उन्होंने जो अपने जो है दोस्तों के साथ मित्रों के साथ जो है खेल कूद किया, गायें चराई, ऐसे वृंदावन गोकुल पर कवि जो है मोहित है और उस वृंदावन पर जो है कवि कहता है, क्या कहता है गोकुल वृंदावन पर जो है कवि जो है कहता है, मानस हूँ तो वही रसखानी, यदि मेरा अगला जन्म भी हो, यदि मैं जन्म लूँ आगे, यदि मुझे जन्म देना भी पड़े तो मैं कहाँ का मनुष्य बनूँ, मेरा जन्म कहाँ हो, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, बसों अर्थात मैं निवास करूँ, मैं निवास करूँ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में मेरा जो है निवास हो, मैं वहाँ रहूँ, क्योंकि उनकी संगति मुझे मुझे बड़ी जो है अच्छी लगती है, वह मुझे प्रिय है, वह ब्रज प्रदेश मुझे जो है बड़ा ही जो है प्रिय है। यदि मेरा यदि जन्म भी हो तो रसखान जी कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जन्म भी हो तो आगे वह कहाँ हो, ब्रज गोकुल में हो और मैं ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन, मझारन अर्थात बीच में, मझारन का अर्थ होता है बीच में, नंद अर्थात नंद बाबा, नंद बाबा। यदि मैं पशु बनूं, यदि मैं जो है क्या बनूं पशु योनि में जो है जन्म लूं तो चरों नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं और उनके बीच में विचरण करूं, चरूं। तो मेरी यही कामना है ईश्वर से कि यदि मैं जो है पशु बनूं तो मैं जो है नंद बाबा की गायों के बीच में जो है चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर का अर्थ इंद्र होता है, हरि छत्र श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत को जो अपनी उंगली में उठाया था इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए। तो यदि पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं यदि पत्थर बनूं तो उसी पाहन हो तो वही गिरि को, उसी गिरि अर्थात पहाड़ का बनूं जिसको हरि छत्र श्री कृष्ण ने जो है ब्रजवासियों को जो है उसे मानो जो है अपनी उंगली पर जो है छतरी के समान उठा करके ब्रज के लोगों की रक्षा की और इंद्र का जो है घमंड क्या किया, चकनाचूर किया। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी जो है पहाड़ का बनूं, पर्वत का बनूं, यही मेरी क्या है इच्छा है।
अगर जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी फूल कदम्ब की धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं खग अर्थात पक्षी, यदि मेरा जो है जन्म जो है पक्षियों में हो, पर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, मैं जो है बसेरा करूं, कहां बसेरा करूं, मेरी कालिंदी फूल कदम्ब की धारण। कालिंदी यमुना को कहते हैं, कालिंदी यमुना, यमुना नदी के किनारे कदम्ब पेड़ की तारी पर मेरा जो है निवास हो, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो सुंदरता है वह बड़ी ही जो है मनमोहक है, मन को प्रसन्न करने वाली है। इसलिए यदि मेरा जन्म हो तो कवि जो है ईश्वर से कामना करता है, प्रार्थना करता है कि यदि मैं जो है क्या करूँ, मेरा जो है मनुष्य रूप में जन्म हो तो मैं जो है ब्रज गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, और यदि मैं पशु बनूं तो जो है मैं नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों के बीच में रहूं, और जब उनके बीच में मैं विचरण करूं, चूमूं, चलूं, पाहन हूं तो वही गिरी को, यदि मैं जो मेरा जो है जन्म, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं जो है उसी गिरी पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को जो है दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए छतरी के समान जो उसको उठा करके धारण करके ब्रज के जो है लोगों की रक्षा की, इंद्र के प्रकोप को जो है इंद्र के प्रकोप से बचाया, तो मैं यदि पत्थर बनूं तो मैं उसी जो है पर्वत का पहाड़ का बनूं, ये ईश्वर से जो है कवि जो है प्रार्थना करता है। जो भग हो तो बसेरो करो, यदि मैं जो है पक्षी बनूं तो मैं जो है बसेरा करूं, मैं निवास करूं, मैं रहूं, कहां रहूं, यमुना नदी के किनारे कदम्ब पेड़ की डाल पर जो है मेरा जो है क्या हो निवास हो, मैं वहां रहूं, ऐसी जो है कोई जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि वह जो है ब्रज प्रदेश, ब्रज और वृंदावन गोकुल क्षेत्र पर अत्यधिक मोहित है, वहां की सुंदरता के कारण, वहां की शांति के कारण वह जो है वहीं रहना चाहता है, और ईश्वर से अपने अगले जन्म के बारे में जो है प्रार्थना करता है।